Assalamu alaikum everyone and welcome to our second episode of Daira Talk Show by Venture Dive. This is our initiative where we focus on increasing design awareness within the Pakistani community, and for that purpose we have a very special guest, Usman Ibrahim, with us, who is the design manager at Rain. Usman, can you introduce yourself? Aap kaun hain, kya karte hain? आपका तारुफ क्या है? थैंक यू सो मच. मैं डिज़ाइन मैनेजर रहता है, यू मेंशनड. मैं रेन स्टूडियोज़ में काम करता हूँ. रेन हैज़ लाइक अ बंच ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट. रेन स्टूडियोज़ इज़ द पार्ट वेयर वी डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिज़ाइन. वहाँ पे रिसर्च, यूएक्स डिज़ाइन, ब्रांडिंग, हर तरह की डिज़ाइन होती है. आई वर्क देयर एज अ डिज़ाइन मैनेजर. माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू हैंडल अ फ्यू यूएक्स प्रोजेक्ट्स while also supervising the branding and social media team. All right. That's a pretty wide umbrella. Yes. So is it more like a generalist role? You could say that, yes. I do get to sort of like get the opportunity to work on many like different ranges of things. Like we have our own products that we work on. We work on a bunch of services for clients, and then jo meri team hai wo internally hamari sari brands ki social media as well as like building the branding from the ground up wo sab handle karte hain. So yeah, it's like a bunch of different things that I do. Okay, that's cool. अच्छा, व्हाट अबाउट यू स्पेसिफिकली? रेन पे तो अभी हम थोड़ा ठहर के आते हैं जी. थोड़ा सा मैंने कहा आपको थोड़ा मैं यू नो खुले दूँ कि व्हाट्स योर जर्नी, वेयर डिड यू स्टार्ट ऑफ? आई नो कि आपने भी वेंचर डाइव में इंटर्नशिप की थी. तो वेयर डिड दैट लाइ? फिर उसके बाद आप मास्टर्स पे गए, तो सारा कुछ किया था. हाँ, वेंचर डाइव की इंटर्नशिप से मैं बहुत पीछे जाऊँगा पहले. सो मेरा बेसिकली आई हैव कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फाइव सिबलिंग्स. मेरा एक भाई है, अब लाइक द वर्ल्ड नोज हिम एज अब्दुल्ला कसुम्बी. लाइक ही प्रोड्यूसेस म्यूजिक एंड फिल्म राइट नाउ. तो बचपन में अब्दुल्ला एंड आई वर वेरी क्लोज. वी यूज टू लाइक डू अ लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स टुगेदर. मतलब बचपन में हम कार्टून्स वगैरह देख रहे होते थे, तो टीवी में एक पिक्चर इन पिक्चर मोड होता था जो पॉज हो सकता था. तो हम वो कार्टून्स देखते हुए उसको पॉज करते थे और फिर हम उनको ड्रॉ करते थे. तो ड्राइंग का शौक था बचपन से, दैट लाइक टर्न इनटू फिल्म मेकिंग. थोड़ा बहुत हम लाइक एक दूसरे के साथ बैठ के वीडियोस बनाते थे, स्पेशल इफेक्ट्स बनाते थे. फिर वी डाइवर्ज्ड अ लिटिल बिट. ही वेंट डीपर इनटू म्यूज़िक, आई वेंट डीपर इनटू थिंग्स लाइक एनिमेशन. फिर मैंने डिजिटल पेंटिंग सीखी अराउंड द लाइक हाई स्कूल टाइम. मतलब बचपन से ही स्कूल के टाइम पे आई यूज़ टू जस्ट लाइक कीप डूडलिंग इन नोटबुक्स, एंड पेरेंट्स को कंप्लेन आ रही होती थी कि एग्जाम पेपर पे भी मैं डूडल्स कर रहा होता था. हाँ, सो आई वेंट डीपर इनटू डिजिटल पेंटिंग. उसमें मतलब ऑनलाइन लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंस था, बिकॉज लाइक वी डिडंट हैव रिसोर्सेज. आर्ट वगैरह स्कूल में तो इतना मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, एटलीस्ट अनटिल लाइक बिल्कुल ओ लेवल्स और ए लेवल्स के टाइम पर आते हैं. तो आई यूज़ टू लर्न ऑन माई ओन डिजिटल पेंटिंग से. फिर मैं थोड़ा बहुत ए लेवल्स के टाइम पे यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अच्छा करियर किस चीज़ में बन सकता है. तो एक तो आई फेल्ट लाइक के ट्रेडिशनल आर्ट में मेरा स्किल सेट उतना नहीं था. इट डिडंट फील लाइक के पाकिस्तान में उसका बहुत ज़्यादा स्कोप भी है, जो कि स्कोप इज द वर्ड दैट एवरीवन यूजेस, स्पेशली पेरेंट्स एट दैट टाइम. तो मतलब हमारे भी वालिद साहब चाहते थे कि इंजीनियरिंग नहीं. अच्छा. अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर वाला नहीं था, लेकिन बिजनेस का ज़रूर था. आई वेंट टू लम्स टू स्टडी मैनेजमेंट साइंस, बट ड्यूरिंग दैट टाइम ग्राफिक डिज़ाइन में मेरा बहुत शौक हो चुका था. एंड आई वॉज लाइक ठीक है, मैं पढ़ाई तो करूँगा, लेकिन कॉलेज में काफ़ी फ्री टाइम मिलता है, तो उसमें आई यूज़ टू लुक आउट फॉर एनी अपॉर्चुनिटीज़ वेयर आई कुड लाइक सेटिस्फाई दैट क्रिएटिव एज. सोसाइटीज़ वगैरह जो होती थी, मैंने म्यूज़िक सोसाइटी ज्वाइन की, पब्लिकेशन सोसाइटी ज्वाइन की, और उनमें जो भी डिज़ाइन का काम होता था, पोस्टर्स, लोगोज, इस तरह की कोई भी चीज़ें होती थी, तो वो मैं करता था. फिर आहिस्ता आहिस्ता दोज अपॉर्चुनिटीज़ लेड टू अदर अपॉर्चुनिटीज़. पीपल यूज़ टू नो के अच्छा एक बंदा है डिज़ाइन में, उस्मान वो बना देता है कोई चीज़, उसको बताओ. तो उस टाइम पे इट वाज वेरी डिफरेंट इन लम्स एज वेल, बिकॉज राइट नाउ दे हैव अ डिज़ाइन सोसाइटी, दे हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन डिज़ाइन, एंड दैट्स गुड टू सी. मेरे टाइम में देर वाज लाइक अ कपल ऑफ पीपल, लाइक वन और टू, दैट लेड मी टू अदर अपॉर्चुनिटीज़. तो उसमें यह था कि कुछ स्टार्टअप्स निकल रहे थे लम्स से,
उनमें एक का नाम था टूर लाहौर, दैट यूज टू टेक आउट टूअर्स टू ओल्ड लाहौर. ओके, अब नहीं है वो. तो वो अब नहीं रहा. बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई बिल्ट देयर ब्रांडिंग फ्रॉम द ग्राउंड अप एज वेल. तो दैट वॉज अ गुड प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ लाइक ओनिंग अ ब्रांड. और फिर मारो तंदूर्स के साथ मैंने काम किया था. यस, दैट यू हर्ड ऑफ. तो उनके साथ मैंने बेसिकली एडवर्टाइजिंग रिलेटेड ज़्यादा काम किया था. वी यूज टू वर्क ऑन द कॉपीज एंड ऑल्सो लाइक डिज़ाइन पोस्ट्स. एंड उनका एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वॉज अ वेरी क्रिएटिव ब्रांड इन इटसेल्फ. उनका बेसिस ही ह्यूमर में था और मतलब पंज में था. तो इट वॉज लाइक रियली फन वर्किंग ऑन दैट. फिर आई वर्कड ऑन हापा स्टूडियोज. तो आफ्टर ग्रेजुएशन आई गॉट अ जॉब एट हापा स्टूडियोज. उधर आई वर्कड एज अ सोशल मीडिया एंड ब्रांडिंग डिजाइनर फॉर some months and then I shifted to BBDO Pakistan. BBDO का ये था कि बड़ा मेरा ख्वाब था कि बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करना. बट वेरी क्विकली आई रियलाइज दैट एडवर्टाइजिंग वॉजेंट फॉर मी. एडवर्टाइजिंग हैड अ लॉट ऑफ लॉन्ग आवर्स. जो एक्सपेक्टेशंस थी आई वॉज लाइक दिस इजेंट रियली फीलिंग राइट. आई डिसाइडेड टू मेक स्विच. आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई डिडंट हैव एनी थिंग वेटिंग फॉर मी एट द अदर एंड. द किंग मूव. यस. एंड आई वॉज लिविंग इन लाहौर. आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कराची. अच्छा, आई कुड टेल दैट कराची एक्सेंट. अच्छा, आई वाज लाइक ये मुझे गलती लग रही है या क्या सीन है. या नहीं, आई एम फ्रॉम कराची. कराची वाले मुझे गद्दार कहते हैं. मैं लाहौर शिफ्ट हो गया था. वही आफ्टर ग्रेजुएशन गॉट द जॉब इन लाहौर एंड देन मतलब वहीं पर यहीं पर करियर का बेस बनना शुरू हुआ मेरा. बीवीडीओ छोड़ा. Freelanced for a while. I was like just paying my own rent, paying for my own food, and I was like, this can't last long. Did that for a while, and I was waiting to hear back from the Fulbright scholarship. Okay. उसके लिए मैंने apply किया था right after my graduation or like around the time I was graduating from LUM. Thankfully, heard back from them, and while at the same time I was looking for other opportunities, I had the Venture Dive internship lined up. Here I worked at Venture Dive for a bit, and that was my first introduction into the world of UX design. I worked with Ali Raza at Venture Dive. He asked me to do the mobile responsive web design. Of Azan? Of Islamic Finder. Okay. अजान तो ऐप है और फिर इस्लामिक फाइंडर इज वेब बेस्ड. तो इस्लामिक फाइंडर का मोबाइल फर्स्ट करके उसकी वेबसाइट पर काम कर रहा था. I don't know if any of that work got shipped or not, but it was my first time like really working on competitive analysis karke ke aapke jo alag alag tools hain matlab there's like a lot of components that go into that. Blogs the, phir aapka jo prayer timings the, so like a lot of different components usme competitive analysis karke aur phir like using mobile first approach to come up with a mobile responsive web design. I had the Fulbright scholarship. मैं उसमें बेसिकली वेट लिस्ट पर था. आई गॉट टू हेयर फ्रॉम देम के मेरा हो गया है. तो दैट वॉज अ ग्रेट न्यूज़ बिकॉज आई डेंट रियली नो के अभी मेरा करियर किधर जा रहा है. तो आई वेंट टू द सवाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन टू परसू एन एम एफ ए इन ग्राफिक डिज़ाइन एंड विजुअल एक्सपीरियंस. तो दैट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. उसमें मैंने पहली दफ़ा आई वॉज इन एन इन्वायरमेंट वेयर आई हैड a lot of other designers, a lot of mentors who could tell me ke my work wasn't good enough. Ah. Because until now, LUMS mein to matlab, I was like, oh, design Usman ko aati hai. There was no one to tell me ke I was doing a lot of things wrong. Andho mein kana raja. Andho mein, haan, bilkul. So this was the first time I had that mentorship. I had that sort of motivation that comes from a little bit of competition. Baki sab itne hi zyada talented hain. Aap se shayad thode zyada talented hain. First semester, mera achha guzar gaya tha. फिर मैंने सेकेंड सेमेस्टर में मेरे आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट बिकॉज ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम. बिकॉज ऑफ लाइक कम्प्लीटली न्यू एनवायरनमेंट. आई वाज लाइक मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे डिज़ाइन आती है लेकिन मुझे लग रहा है नहीं आती है. ये क्या हो गया. ये क्या हो गया. मैं कहाँ आ गया हूँ और क्यों आ गया हूँ. आई ड्रॉप्ड वन कोर्स. आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू लाइक सॉर्ट ऑफ हैव अ लेसर वर्कलोड एंड थिंक अबाउट के अच्छा मैं अब एट दिस पॉइंट वेयर डू आई स्टैंड एज अ डिज़ाइनर एंड वेयर डू आई वॉन्ट टू बी एंड कैन आई एक्चुअली गेट देयर. और दूसरा ये भी था कि लाइक आई जस्ट नीडेड सम मेंटल स्पेस टू गेट यूज टू द न्यू एनवायरनमेंट. दैट सेमेस्टर वॉज द hardest, but it really helped.
and set me up for later on sort of excelling in my degree and sort of letting go of all that self-doubt aur wo sara kuch ke matlab अमेरिका में मैं अच्छा डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं बस पाकिस्तान में लम्स में अच्छा डिज़ाइनर था. या सो लाइक दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस जो मेरा मास्टर्स प्रोग्राम था, एंड रियली ग्रेटफुल दैट लाइक आई कुड परस्यू इट विदाउट एनी कॉस्ट ड्यू टू द फुलब्राइट. लॉट्स ऑफ लर्निंग, लॉट्स ऑफ ग्रोथ, लॉट्स ऑफ रियलाइजिंग कि अच्छा देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टू अनलर्न एंड लर्न. फिर वापस आने के टाइम पे आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स एंड दैट्स व्हेन आई केम टू रेन एंड हैव बीन वर्किंग देयर सिंस. Awesome. Well, आपकी स्टोरी से मुझे याद आया कि यू सेड कि आप यू अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप और उसके बीच में यू केम टू वेंचर फॉर इंटर्नशिप. अभी रिसेंटली वी हैड एन इंटर्न बिस्मा, शी हैड द एग्जैक्ट सेम स्टोरी, शी वॉज गोइंग फॉर मास्टर्स और इंटर्नशिप के लिए वेंचर आई थी. सो बिस्मा इफ यू आर वॉचिंग दिस, सिमिलर स्टोरी. अच्छा, वन थिंग दैट आई वांट टू आस्क कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन लेट्स से विद इन पाकिस्तान, एक है विद इन द इंटरनेशनल रियल्म, लेट्स कॉल इट US. मैंने क्योंकि काम किया हुआ है विद अ फ्यू अमेरिकन कंपनीज, आई नो कि देयर इज अ डिफरेंस. इज दैट डिफरेंस विद द जनरल पब्लिक, एक जनरल एक डिफरेंस है, यू कैन फील कि यार नहीं जो डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे है वो शायद यहाँ पे नहीं है, इज दैट ट्रू? इन माय लिमिटेड एक्सपीरियंस इट्स वेरी ट्रू. बेसिकली व्हेन आई लेफ्ट फॉर माय मास्टर्स वर्सेस व्हेन आई केम बैक, आई डिड सी अ ह्यूज डिफरेंस इन पाकिस्तान. मतलब यहाँ पे भी there's a lot more design awareness compared to when it was like when I left. Which is like a span of almost 3 years, so there has been a lot of growth. That said, I do think there's a lot of difference between the US and Pakistan because design is very young in Pakistan. US mein ek to sabse pehli baat to ye hai ki US mein it's like the center of all like R&D, right? तो डिज़ाइन में कुछ भी नया हुआ है, मतलब गूगल इज़ अ यूएस कंपनी, इंटुइट इज़ अ यूएस कंपनी, डॉन नॉर्मन इज़ लाइक फ्रॉम द यूएस, सो लाइक वहाँ से मतलब जो भी शुरू होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक स्पेशली यूएक्स डिज़ाइन और वो सारा कुछ वहाँ से शुरू होता है. अगर आप डिज़ाइन को कम्युनिकेशन डिज़ाइन के एस्पेक्ट से देखें तो फिर हर कल्चर की अपनी एक हिस्ट्री होती है. बट स्पीकिंग ऑफ लाइक डिज़ाइन विद इन द इंडस्ट्री, जिसकी मेरा ख्याल है आप भी बात कर रहे हैं, आई डू थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड अ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो इन पाकिस्तान एज वेल. क्योंकि आई डू फील लाइक यहाँ पे भी कंपनीज आर ओनली बिगिनिंग टू वैल्यू डिज़ाइन, इवन द वंस दैट क्लेम टू बी एट द फोर फ्रंट. डिज़ाइन को वैल्यू करना इज़ समथिंग दैट्स वेरी न्यू एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज आर स्टिल लर्निंग दैट. लाइक वैल्यूइंग डिज़ाइन में आ जाता है हाउ डू यू पे योर डिज़ाइनर्स. That was the like foremost thing when I was here before my masters. That was my main struggle. Ke jahan bhi main dekhta tha designers were very underpaid. Today the situation is a lot better and like there's quite a few companies which are paying their designers well. Phir ye bhi aa jata hai ke design ka jo process hai, how is that being followed within the company? Let's say a company comes up with a product idea. कि हमने ये चीज़ बनानी है. वॉट माई ऑब्जर्वेशन हैज़ बिन इज़ के जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं दे डिसाइड कि ये प्रोडक्ट होगा, ये फीचर लिस्ट होगी, आप स्क्रीन्स बना के दे दो. इन्वॉल्विंग डिज़ाइनर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू लर्न. कि अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट आइडिया है, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, कुछ इनिशियल अजम्पशंस होती हैं. उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो फॉलो करें कि एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप टेस्ट, लेकिन you have to involve the designers, the researchers from the get-go and make sure you validate your assumptions. In the strategy part basically. Bilkul, in the strategy part and like when you come up with a product idea, you have to validate it and then you start building it, right? And then you quickly iterate and then you keep validating as you go. So yahan pe there's two school of thoughts as well. Sorry, main apni baat kaat raha hu ki jab hum design ko accept करते हैं विद इन पाकिस्तान, तो वी आइदर गो विद वन एक्सट्रीम विच इज़ के यार आई एम गोना फॉलो ऑल फाइव, वो जो एम्पथाइज, डिफाइंड, फॉरगेटिंग द फाइव, बट वही बिल्कुल वही वो गूगल के कोर्स वाले, एंड देन यू हैव अ डिफरेंट एक्सट्रीम जो कहता है कि बस यार बस बना दो, स्क्रीन बना दो, दैट्स इट. You have these two extremes. Yeah. What? How do you define a process? मेरा ख्याल है ये दो extremes हैं ना, ये दोनों ठीक नहीं हैं. ना. Because adaptability is essential when you're executing the design process, right?
ये जो प्रोसेस जो गूगल IDEO वगैरह देते हैं, दैट्स एन आइडियल प्रोसेस, एंड इवन दे डोंट क्लेम कि यू आर गोना फॉलो दिस एंड टू एंड लाइक द सेम वे एज इट्स रिटन, राइट? आई हैव नेवर फॉलोड दैट इन एनी ऑफ माय प्रोजेक्ट्स. पर आई थिंक उस आइडियल प्रोसेस का मकसद ये है कि देर इज अ फ्यू स्टेप्स दैट यू हैव टू मेक श्योर आर इन देयर. मतलब यू हैव टू मेक श्योर देर इज सम रिसर्च इन देयर टू वैलिडेट और इनवैलिडेट योर अजम्पशंस. द ऑपोजिट ऑफ वैलिडेट. बिल्कुल. और फिर टेस्टिंग होनी चाहिए टू मेक श्योर योर प्रोडक्ट वर्क्स. प्रोटोटाइपिंग और डिज़ाइन तो हो ही जाती है वो. हाँ. मतलब आप कुछ बना ही नहीं सकते अगर आपके पास स्क्रीन्स ना हो तो. और फिर डिफाइनिंग भी हो ही जाती है. तो आई थिंक जो ये टेस्टिंग और एम्पथाइजिंग है ना, दीज थिंग्स फॉल टू द वे साइड ऑफन. एंड आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कि आप एग्जैक्ट उन्हीं पॉइंट्स पे उस प्रोसेस को फॉलो करें, बट यू हैव टू मेक श्योर के यू वैल्यू दोज स्टेप्स इन द डिज़ाइन प्रोसेस एंड यू वैल्यू देम व्हेन, क्योंकि व्हेन यू लिसन टू योर डिज़ाइनर, your designer is interacting with the users, your designer is testing out the product and they know the product inside out. So you should trust your designer when they're talking about, acha, at this point we need to know what the user thinks. Because we're having these conversations in Zoom meetings or Google Meets and wo back and forth chal rahi hoti hai, acha nahi ye yun hona chahiye, ye yun hona chahiye, end mein phir user ki koi baat आती नहीं है. हाँ. बीच में दैट्स व्हेन यू हैव टू पॉज एंड बी लाइक, नहीं एट दिस पॉइंट वी नीड टू नो व्हाट द यूजर थिंक्स. फिर जो भी आप, मतलब जितना आपका बजट है, जितनी आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें आप जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं टेस्ट करना या रिसर्च करना आप कर लें. एक चीज हमने एस्टेब्लिश कर दी है कि यार ये भी एक एक्सट्रीम है और ये भी एक एक्सट्रीम है. द रूट इज द मिडल वन, द बैलेंसिंग ऑफ बोथ. आपने वो एक प्रोसेस इन ए आई गेस स्पिरिचुअलिटी लेके चलना है, बट मे बी नॉट स्टिक टू इट रिलीजियसली. ये नहीं कि यार परसोना से बात एम्पथी मैपिंग आएंगे ऐसी की तैसी बजट की. और मतलब मैंने सुना है रीसेंट ट्रेंड्स में तो परसोनास आर आल्सो नॉट वेरी, मतलब कोई यूज नहीं कर रहा हूं. इवन रिगार्ड्स टू एम्पथी मैपिंग, ग्रेट एक्टिविटी. आज तक मैंने जिससे पूछा यार आपने एम्पथी मैप कैसे बनाया, यार मैंने ना परसोना की बेस पे अजम्पशंस किए हैं. बिल्कुल, वो रिसर्च नहीं है. दैट्स नॉट हाउ यू मेक एन एम्पथी मैप. बट खैर, द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज के अगर जो मिडिल रूट है उसमें वी हैव अ प्रॉब्लम, देयर इज नो डिजाइन लीडरशिप. कि चलो रेन के केस में यू गाइज हैव अ फ्यू मैनेजर्स, वेंचर डाइव में भी हैं, इस तरह से फ्यू कंपनीज में हैं, बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ देम दे डोंट हैव दैट लीडरशिप. तो व्हाट बेंचमार्क डू दे फॉलो? बेंचमार्क किस तरह से? इफ आई एम ए प्रोडक्ट डिजाइनर वर्किंग एट एनी स्टार्टअप, वर्किंग एट एनी एजेंसी, तो आई नीड, इफ आई एम अ जूनियर, तो आई नीड सम सॉर्ट ऑफ लेवरेज कि यार मुझे व्हाट डू आई फॉलो, व्हाट डू आई डू. मैं वायर फ्रेम्स बना लिए, नाउ व्हाट? मैंने, या चलो मैंने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स लिस्ट डाउन कर ली है, उसको ये चीज़ें चाहिए. मैंने इनको फीचर लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, यूज़ केसेस में कैसे कन्वर्ट करना है, वो बीच की जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या है, हाउ डू आई डू दैट? उस तरह के क्वेश्चन आंसर करने के लिए यूनिट डिज़ाइन लीडरशिप, कोई बंदा आके बताए. मतलब मेंटरशिप तो is essential in like for any designer who wants to grow, right? Like जो skill set आपको develop करना होता है, getting from like point A to B to C to D, you can't do that without like some learning. और learning और mentorship that will come from other designers. मतलब आप कोई product manager will rarely have the skill set to train you to like get from a feature list to wireframes. अच्छा, यहाँ पे one of the trends that I've felt within the industry is that design and product ye merge hoke they've sort of become one, because now designers are just getting their feedback from the head of products or PM. ab usme uska fayda to ye hai ki they can give very good feedback in terms of use cases, but they can't give feedback on design. bilkul. ha is cheez ka hum jo rain mein follow karte hain wo ye hai ki like whenever a product reaches a certain level of fidelity na, matlab jaise a milestone, let's say ek milestone reach ho gaya ki acha now we have something that we can show, what we do is we have a session with a bunch of designers. That like one of the things that really helps in the like previous question as well of like how do you get mentorship is and like not all startups can afford that is having a bunch of designers. And a bunch of designers who know their work, right? So what we did in one of the projects I was working on was we held an internal review. तो उसमें यह था कि हमने यूज़र्स के साथ एक अलग रिव्यू रखा, जो हमारे पास एक ग्रुप था जिसके साथ हम फीडबैक ले सकते थे ऑन लाइक, अच्छा दीज आर द स्क्रीन्स
दिस लाइक प्रोटोटाइप करके उसको एंड देन लाइक गेटिंग देयर फीडबैक. वही प्रोटोटाइप हमने डिज़ाइन टीम से भी रिव्यू करवाया था ऑफ पीपल हु वर्न्ट ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टीम. तो उससे जो इनसाइट्स मिलती हैं ना वो बहुत डिफरेंट होती हैं. तो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ सर्टेन थिंग अ लिटिल मोर एफिशिएंट, उस तरह का फीडबैक यूज़र से नहीं आएगा. या यूज़र से जो फीडबैक आएगा वो ये आएगा कि अच्छा मेरी एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है या नहीं, और ये एक एडिशनल प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व नहीं हो रही, या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. इस तरह का फीडबैक यूज़र से आएगा, या फिर आई कांट फाइंड अ सर्टन सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, लाइक आई कांट फाइंड दिस बटन, आई कांट फाइंड दिस फीचर. जो डिज़ाइन टीम से फीडबैक आता है वो ये आता है कि अच्छा यहाँ पे 8 बटन है, ये दिस कैन बी मेड मच सिंपलर, या फिर दिस इज़ लुकिंग वेरी ड्रैब एंड बोरिंग, दिस कैन बी मेड मोर एक्साइटिंग, बिकॉज इंजॉयबिलिटी इज़ वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स दैट यू नीड इन अ गुड प्रोडक्ट. तो जो फीडबैक आपको बाकी डिज़ाइनर्स से मिलता है और जिससे आपकी भी लर्निंग होती है वो आपको यूज़र से नहीं मिलता, और वो आपको और लीडरशिप से भी नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली. एंड वैसे इफ योर स्क्रीन हैज़ 8 बटन्स आई वुड से यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. अब डिपेंड करता है कि स्क्रीन है क्या. ट्रू ट्रू. इट डिपेंड्स ऑन द यूज केस. अच्छा यहाँ पे आई वॉन्ट योर स्पेसिफिक इनपुट ऑन के How is design as a manager versus as a designer? I would say design as a manager mein there's a lot less design. It's more manage. I think this is a point where I would give a shout out to my own manager as well, Safiya, who's heading design over at Rain. So is she the one that came from Google? Yeah, she was, I believe, like, I don't want to get this wrong, principal UX designer at Google. Okay. Before she came into Rain. Like, she put me in the manager position early on as well. And, like, she's been the person I've been following in terms of how I want to manage. Because being a manager, you're suddenly put into a position of power and you're put into a position of responsibility where you have to take, you're responsible for other people. Unki career trajectory, And that's horrifying. हाँ, उनके लिए कल्चर क्रिएट करना, उनके लिए फाइट करना when there's like any conflict or even no conflict but like just to get their voice heard. Being a manager comes up with like a lot of different responsibilities which you won't be prepared for by just being a designer. And again, उसमें भी mentorship has been the most important thing for me. So like as a manager, जो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मुझे खौफ था ना वो ये था कि आप एक कमरॉडरी से आते हैं जब आप सबसे जूनियर लेवल पे होते हैं, आप मतलब सबके साथ बडीज़ होते हैं. एज अ मैनेजर यू हैव टू हैव लाइक अ सॉर्ट ऑफ सर्टन लेवल ऑफ डिटैचमेंट, सर्टन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट. तो हैविंग ऑब्जर्व्ड सफिया इन दैट रोल ऑफ लाइक बींग एट लाइक द टॉप ऑफ द लाइक मे बी 25 पीपल इन स्टूडियोज, राइट, वाइल मेंटेनिंग दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बट नॉट हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ मैं मैनेजर हूँ, मैं पोजिशन ऑफ पावर में हूँ, आई एम द मैनेजर. या सो यू डोंट हैव टू बी लाइक दिस लाइक डिटैच्ड पर्सन, यू कैन स्टिल केयर अबाउट योर कॉलीग्स वाइल बीइंग अ मैनेजर. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्नड. यू मतलब आप यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म बट दैट डजंट मीन के यू मेक योर पर्सनैलिटी ऑफ बीइंग अ पोजिशन, बीइंग इन अ पोजिशन इन लीडरशिप. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग. दूसरा ये कि रियली केयरिंग अबाउट अदर पीपल इन द कंपनी. मतलब कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स अक्सर इस तरह होते हैं कि दे कैन पुट यू इन अ पोजिशन ऑफ सेल्फिशनेस, दे कैन पुट यू इन अ पोजिशन ऑफ प्रोटेक्टिंग योर ओन इंटरेस्ट, बट हैविंग दैट लेवल ऑफ अच्छा आई डू रियली केयर अबाउट द पीपल आई एम मैनेजिंग एंड ऑल्सो द पीपल जो भी मतलब देर आर दैट आर अराउंड मी, हैविंग दैट रियली हेल्प्स. एंड इट्स नॉट जस्ट इन थियरी. मतलब ये कभी कभी तो होता है ना कि बहुत अच्छी सी बात है जो किताबों में आप पढ़ सकते हैं या फिर आप टेड टॉक्स में सुन सकते हैं, लेकिन दिस डज रियली हेल्प इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द टीम मोटिवेटेड एज वेल. बिकॉज यू आर लाइक व्हेन यू आर अ मैनेजर एंड लाइक दैट फीड्स इनटू माय फर्स्ट पॉइंट एज वेल, यू आर सेटिंग अ नॉर्म और जो भी आपके आसपास होगा वो रेसिप्रिकेट करेगा. आई थिंक दैट्स अ बेसिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के जिस तरह आप लोगों को ट्रीट करेंगे उसी तरह लाइक हॉरिबल एग्जांपल बट मंकी सी मंकी डू. तो और वही है कि इन अ पोजीशन ऑफ लीडरशिप यू आर मोर इन दैट पोजीशन वेयर यू आर सेटिंग एन एग्जांपल एंड यू आर सेटिंग द नॉर्म्स ऑफ दैट कल्चर. तो रियली केयरिंग अबाउट द पीपल यू आर मैनेजिंग एंड आई थिंक 3 points इज अ गुड थिंग टू स्टॉप ऑन is listening. When you're put in a position of leadership, it might be like aapka first instinct ho ke bhai main expert hu and I have to seem like the expert. You don't need to seem like the expert.
you were put in to a position because you proved yourself to a certain extent. Okay, like you don't need to keep proving yourself, but you, what you have to do is you have to listen to like the people who are working under you as well, because they might know something that you don't. And similarly, when you're like also communicating yourself, you might know something that your higher ups don't. Listening is very important in that case, where you create a culture of acha, we're a team, and it's not like main apni expertise establish karne ke liye aaya hu. I completely agree, especially with the third part. I think that's something that we often struggle with, because it becomes a competition of ego. Bilkul. Main bada hu, apun expert hai. Acha, one thing that I want to ask, in your pursuit of managing, what are areas jo ke you would say ki yaar, this is something that I've most struggled with, aur aapke sabse bade bhand gaya tha? Two different questions. Sensitive topic. Yeah. Thoda sa zara, let's dive deeper. So the biggest struggle is hiring. And bhand bhi isi mein the. I won't go deep into the bhands, but wohi hai ke hiring mein the key thing is you have to get it right when you hire, because if you hire the wrong person, it can go like, it can be bad for all parties involved. Abhi recently maine ek a very close startup, I won't name them for obvious reasons, but wahan pe ye cheez hote hue dekhi hai ki they hired one wrong person and the entire product team collapsed. मेरा ये तो एक्सपीरियंस नहीं रहा अलग रहना हो, पर लाइक वही है ना कि इफ यू हायर द रॉन्ग पर्सन, स्पेशली फॉर द रॉन्ग पर्सन दैट यू हायर, इट्स अ बैड एक्सपीरियंस. इट लाइक इट्स अ थिंग दैट पुट्स योर कंपनीज रेप्यूटेशन एट रिस्क, एंड ऑल्सो इज अ बैड कल्चर फॉर द पीपल अराउंड यू एज वेल व्हेन यू हैव लाइक हायर समवन एंड देन यू हैव टू लेट देम गो. सो हायरिंग हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस, बिकॉज इट्स हार्ड टू फाइंड गुड पीपल. And the good people that you find, they have requirements that the company might not be willing to give them. Yeah. So balancing that, ki acha company ki ye constraints hain, the person that I'm trying to hire ka ye skill set hai, and then bringing that to a certain level. उसमें एक तरफ मैं ये भी देखता हूँ कि यार रोज लिंक्डइन में मैसेज आ रहा होता है यार, कैन यू रिफर मी फॉर दिस पोजीशन, कैन यू डू दैट, कि देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट. एक तरफ ये है कि टैलेंट बहुत है, दूसरी तरफ ये है कि द वंस हायरिंग दे से यार लोग नहीं है, ये कह रहे हैं जॉब नहीं है, कह रहे हैं लोग नहीं है, तो बीच में क्या, व्हाट्स मिसिंग? आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स हैं. एक फैक्टर तो पॉसिबली ये हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप तो हमेशा होता है कि लाइक you're operating in a certain circle when you're a company looking for someone, and the designer is in operating in a different circle. Dusra ye, like in my review of candidates, jo best candidates rahe hain, those were all self-taught. Okay. Even if they had a design education, the reason they were at a certain level was they were self-taught. And there will always be great students and there will always be bad students. Ye to mere masters mein bhi maine bahut experience kiya tha, ke even there I was like, some people just didn't care. Yeah. And main unka kaam dekhta tha and I was like, how did they get here? Matlab not to look down on anyone, but I'm saying ke there's always gonna be those high achievers jo apni mehnat se they go beyond expectations. Jo maine fresh grads mein dekha hai na, like we did hire a fresh grad who is amazing, and like she works way above the expectations that we set for her. But jo majority of the portfolios that I've reviewed for fresh grads, they weren't up to the mark. So I did leave feeling a little disappointed in jo hamari design education at this stage. So Lahore mein to I don't think hai education. मतलब वही आपके जो आप पांच उंगलियों पे गिन सकते हैं आपके, हाँ, जो कॉलेजेस हैं, BNU है, NCA है, IVS है, कराची में भी है. They don't focus on the UX side. बिल्कुल विजुअल साइड पे फोकस करते हैं. एंड दूसरा ये कि विजुअल साइड पे भी है ना, मतलब मेरी ट्रेनिंग भी विजुअल में बहुत ज़्यादा हुई थी जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था, एंड देन UX वॉज सेकेंडरी टू द डिग्री. UX में यही है कि इट्स अ न्यू फील्ड, बाहर भी है ना द UX प्रोग्राम्स आर न्यू. सो इधर UX प्रोग्राम्स को वेल डेवलप होते तो बहुत टाइम लगेगा. UX का तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कोई लाइक यूनिवर्सिटी के कोई प्रोग्राम्स हैं. देयर इज जस्ट वन दैट आई नो ऑफ इन कराची. उन्होंने अभी IVS ने स्टार्ट किया. यस IVS. सही. तो मैं क्या कह रहा था, वी वर टॉकिंग अबाउट कि वो जो
गैप है बीच में, गैप है बीच में बिटवीन कैंडिडेट्स एंड सो विजुअल डिज़ाइन में आपने कहा ना कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ विजुअल डिज़ाइन में ट्रेनिंग दे रही हैं, तो इवन इन विजुअल डिज़ाइन जो ट्रेनिंग मुझे मिली एंड व्हेन आई कंपेयर इट टू हेयर, इवन देयर इट वॉज अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, राइट? लाइक इट वॉज अबाउट रिसर्चिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सटेंसिवली एंड देन होनिंग इन टू वॉट सोल्यूशन इज बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. डाइवर्जेंट कन्वर्ज. यहाँ पे जो लाइक आर्ट स्कूल्स हैं हमारे, उनका ट्रेडिशनल आर्ट में मतलब मैंने थीसिस शोज देखे हैं एंड आई वॉज ब्लोन अवे. फाइन आर्ट्स में मैं जो पेंटिंग्स देखी थी, मैं NCA के शो में गया था, आई वॉज ब्लोन अवे. पर आई फील लाइक जो हमारी डिज़ाइन एजुकेशन है ना, दैट्स ऑल्सो राइट नाउ रूटेड इन द ट्रेडिशनल आर्ट्स विच आर अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन. डिज़ाइन इज अबाउट हैविंग अ पर्पस एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट एंड कंसिडरेशन एंड रिसर्च कमिंग अप विद अ सोल्यूशन टू वट एवर थिंग दैट यू थिंक ऑफ, लाइक वट एवर चैलेंज दैट यू ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश. हमारे यहाँ डिज़ाइन का ये प्रिंसिपल मुझे नहीं लगता फॉलो हो रहा है. या बिकॉज मैंने जो पोर्टफोलियोज देखे थे, इवन दोज वर अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कोई अच्छी सी स्टोरी बनाई हुई होती थी, लेकिन जो रिगरस ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक इवन जस्ट लाइक ब्रॉडनिंग योर ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस एंड लाइक जस्ट लाइक ऑब्सेसिंग ओवर द प्रॉब्लम, वो यहाँ पे मुझे नहीं दिखाया इन द वर्क दैट आई हैव सीन. एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्चुअल जॉब वर्क एज वेल. बिल्कुल. इफ यू ब्रिंग देम ऑन टू प्रोजेक्ट्स, दे डोंट वर्क आउट. यस, बिकॉज वही है ना कि आई वाज सरप्राइज्ड विद द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम लाइक जो एकेडमिक ट्रेनिंग होती है वो इज डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्री ट्रेनिंग, वो एवरीवन बिलीव्स दैट, राइट? आई वाज वेरी सरप्राइज्ड जब मैं ग्रेड स्कूल से आया एंड अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्नड इन ग्रेड स्कूल वर वेरी लार्जली एप्लीकेबल इन the everyday things that I was making. And I do feel like वो वाला skill set हमारे design education में नहीं मिल रहा in terms of वही जो like real, being really good in your foundations and like being really good with having a good design process, maintaining that process, documenting that process and then being able to argue and communicate your design decisions. अच्छा, उसमें फिर I'll ask the question के do you think we're over complicating design या do you think we're over simplifying design? कि उसको इतना simple कर दिया गया it's just self expression, या it's so complex कि बीच में हमने 3200 चीज़ें extra डाल ली हैं that don't necessarily make sense. I don't know simple या complex है. I think it's more about concept गलत. Okay, so it's मतलब definition is wrong. Getting that concept right and then जो प्रोसेस है ना, लाइक देर इफ देर इज़ वन वर्ड दैट आई हैव लर्नड इन द पास्ट 5 years इज प्रोसेस. हमारा जो डिज़ाइन है उसमें प्रोसेस इज नॉट एट दैट लेवल. अच्छा, हाउ डू यू डिफाइन अ प्रोसेस? प्रोसेस मतलब लाइक जो लाइक डिक्शनरी डेफिनेशन या लाइक योर डेफिनेशन? माई डेफिनेशन, इफ यू आर स्टार्टिंग ऑन अ प्रोजेक्ट, व्हाट्स योर प्रोसेस? गुड क्वेश्चन. आई नो दिस इज वन ऑफ द बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस. हाँ, बट तो मेरे लिए प्रोसेस इज पहली बात तो ये कि इट्स अडेप्टेबल. यू हैव टू लुक एट वॉट द प्रॉब्लम इज, लाइक राइट, लाइक कोई चैलेंज है, कोई प्रोजेक्ट है, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं और आपने करना क्या है, तो उसके हिसाब से प्रोसेस इज़ गोना बी वेरी डिफरेंट. मुझे कोई बोले कि मुझे आज एक लोगो चाहिए, मैं इलस्ट्रेटर में 4 डब्बे बना के उसको लोगो दे दूँगा. मुझे कोई बोले मुझे महीने में लोगो चाहिए, मैं पहले कुछ दिन बैठ के रिसर्च करूँगा, रिसर्च में कंपेटिटिव एनालिसिस करूंगा, कंपेटिटिव एनालिसिस नहीं तो वैसे ही इंस्पिरेशन के लिए मैं और भी चीज़ें देखूंगा, मूड बोर्डिंग, वो सारा कुछ, जस्ट स्पेंड टाइम ऑन इट. और जो मैंने मतलब सीखा है वो ये कि यू हैव टू सोक इन योर रिसर्च. मतलब आप ये नहीं है कि आपने घंटा स्पेंड किया रिसर्च में, इफ़ यू फील लाइक यू हैव डन इनफ डू अ लिटिल बिट मोर. तो रिसर्च का ये एक प्रिंसिपल जो मैं फॉलो करता हूँ कि जस्ट डू अ लिटिल मोर देन यू थिंक यू हैव टू इफ़ यू हैव द टाइम. उसके बाद ये कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में, उसमें जो लाइक गोइंग क्रेजी इन ब्रेन स्टॉर्मिंग ना, वो मैंने कहीं नहीं देखा जो मैंने US में देखा था. इन टर्म्स ऑफ अगेन डू अ लिटल मोर देन यू थिंक यू हैव टू. एंड यहाँ पर यह भी है कि बैड आइडियाज़ के साथ वी आर नॉट कम्फर्टेबल, वी आर स्टिल अफ्रेड टू बी लाफ्ड एट, एंड आई थिंक दैट्स अ बिट ऑफ लाइक आर कल्चर दैट वी हैव टू फिक्स. के मतलब कोई बंदा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में बुरा आइडिया पोज करेगा तो लोग हंसेंगे,
ठीक है, मतलब यू हैव टू लाइक हैव अ गुड ह्यूमर थ्रू आउट योर वर्किंग प्रोसेस, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम अप विद लाइक एज मच एज यू हैव टू, एंड उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम अप विद बैड आइडियाज़ एंड बी कम्फर्टेबल विद कमिंग अप विद बैड आइडियाज़, बिकॉज द हायर क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ दैट यू कम अप विद द मोर लाइकली यू आर टू लाइक सॉर्ट ऑफ दैट लाइक फाइंड दैट नीडल इन अ हेस्टैक. वरना क्या होगा कि आपको एक अच्छा आइडिया, पहला वाला अच्छा आइडिया मिला तो आपने अगला वाला अच्छा आइडिया ढूंढा ही नहीं, आपने पकड़ के दौड़ लगा दी. बिल्कुल, बीइंग कंफर्टेबल इन दैट लाइक स्लोअर प्रोसेस, और ये दैट आल्सो फीड्स इनटू लाइक कंपनी कल्चर्स एज वेल, कि आपको रश करते रहते हैं एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस होती हैं और आप हमेशा आइडियल प्रोसेस नहीं फॉलो कर सकते. बट स्लोइंग डाउन अ लिटिल बिट हैज़ इट्स मेरिट्स, स्पेशली ब्रेनस्टॉर्मिंग में, रिसर्च में. और फिर वही है कि once you have that like sort of big amount of ideas honing in on the good one, or grad school mein maine aksar ye bhi dekha hai ki that whole brainstorming phase you might come up with nothing. Yeah, and this semester that I struggled with that I was talking about, that was where I was at. Like for 5 weeks I struggled with not coming up with a good idea for a project. To kabhi kabhi ye hoga. I can imagine how frustrating that is. Exactly, like matlab for days on end like just not coming up with a good idea, and then my professor bhi like some professors are like अच्छा ठीक है कुछ बना लो, so just do something. Yeah, so like kudos to her for not letting me do that but also I hated her in that moment, I'll be honest. वो होता है, होता है. तो हाँ ये प्रोसेस है, मतलब जो रिसर्च और ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डॉक्यूमेंटिंग दोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस वैन आई शो इट टू द क्लाइंट, एंड द क्लाइंट माइट बी एक्सटर्नल क्लाइंट, माइट बी इंटरनल स्टेक होल्डर्स, इट वैलिडेट्स योर फाइनल रिजल्ट्स एज वेल. फिर मैं क्या करता हूँ, तीन चार ऑप्शन प्रेजेंट करता हूँ. और मैं अभी आई थिंक लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं यूएक्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहा, क्योंकि आई वुड से अगर यूएक्स के कॉन्टेक्स्ट में होता तो आई वुड लाइक नॉट शो थ्री ऑप्शंस बट गो फॉर द मोस्ट वैलिड सॉल्यूशन, राइट. आई प्रेजेंट थ्री ऑप्शंस टू द क्लाइंट एंड देन आई शो के जल्दी से लोगों स्केचेस दिखाता हूँ मैं पहले, ताकि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें कि अच्छा ये वाला ये वाला या ये वाला. तीन ऑप्शंस मैं खुद सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि देयर इज सम एक्सपर्टीज दैट यू ऑलरेडी हैव राइट इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन. तो यू शो दैट दे मे और मे नॉट लाइक इट, दे लाइक मोर ऑफन देन नॉट देर हैव बीन टाइम्स आई हैड टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड एंड देन व्हाट आई डू इज सेपरेट आउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस, राइट. लाइक इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग प्रोसेस होगा कि लोगो अलग और कलर पैलेट अलग दिखाऊंगा मैं. पहले मैं लोगोज ब्लैक एंड वाइट में दिखाऊंगा, फिर मैं कलर पैलेट के साथ अलग से दिखाऊंगा. And if I have a lot of time, I will make stylescapes. जिसमें I will show like जो logo, color palette, fonts वगैरह हैं उनकी execution के साथ, क्योंकि it's important to understand कि आप designer हो, अगला बंदा designer नहीं है. When you see a black and white logo, you are able to imagine colors, you're able to imagine डब्बे पे कैसा लगेगा, billboard पे कैसा लगेगा, signage पे कैसा लगेगा. You have to sort of like nudge their imagination a little bit by showing them like a stylescape, कि अच्छा this is what the brand is gonna look like. If they like it, great. If they don't, you go back to the drawing board and without complaining about it. Yeah. And that's also something that I've learned is very important. और वो जो ego वाली बात की ना आपने, as creatives ego होता है. अक्सर लोग कहते हैं ego नहीं होना चाहिए, काम में ego नहीं होना चाहिए. अगर आपके काम में ego नहीं होगा और आपको failure बुरा नहीं लगेगा, आप you won't learn and you won't want to go forward, right? तो फिर आप एक ही दरवाजे बार बार knock करते रहोगे. और आपको मतलब जो ego है वही थोड़ा सा लेके जाता है कि भाई यार नहीं, ये जो जिस position पे अभी हूँ वो ठीक नहीं है और मुझे इससे आगे जाना है. I should never be in this position again. So I won't say let go of the ego, but I would say control your ego a lot. Because jo iteration hai na, usme agar ego aa jata hai, iteration aap nahi karoge sahi se. Ban gaya. So you, kyunki phir aap bologe nahi ye client ko pata nahi hai, client ye hai, client wo hai. Agar aapka ego nahi hoga na, then you'll be like acha, I made all of this, it doesn't work, but it is a step in the process and a very valid step in the process and it will take me towards the next best solution. Aksar ye hota hai ki dusri iteration mein ho jata hai, kyunki the client wants their input in that whole process a little bit, kyunki aap ek cheez bana ke leke jate ho, it like they do have something in their minds and they do have their own vision as well, so you have to help and align with that vision as well. Acha mere sath aapke baat se मुझे याद आया, लास्ट ईयर शुरू में ना आई वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, एयरलिफ्ट का था, तब एयरलिफ्ट वेंचर डाइव में आया था फॉर द डिज़ाइन वर्क बिफोर इट गॉट क्लोज्ड. तो वी वर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट और वी वर एट द वायर फ्रेमिंग स्टेज, आई थिंक शायद, आई डोंट रिमेंबर. आई मेड अ फ्यू इटरेशंस और आई टुक देम टू माय मैनेजर एंड आई कुड सेंस के हिज इनिशियल
ही वॉज वेरी नाइस, सुपर ऑसम फीडबैक, बट आई कुड सेंस के ही वॉज लाइक यार दिस इज शिट. एंड सिंस आई हैव बीन समवट ऑफ अ क्लास क्लाउन माई एंटायर एजुकेशनल लाइफ, इवन इन द कोर्स दैट आई एम डूइंग राइट नाउ इन द मदरसा, आई एम ऑल्सो द क्लास क्लाउन. तो इट्स वेरी द कॉन्सेप्ट ऑफ समबडी लैफिंग एट मी, इट्स लाइक कोई मस्ता नहीं यार. बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन लैफ एट मी ऑल यू वॉन्ट, बट वो जो ईगो वाली बात है ना कि दैट्स व्हेन आई यूज इट टू माई एडवांटेज, कि मेरी स्किल्स पे यू कांट लाफ, कि दैट्स व्हेन आई वोंट लेट यू लाफ. कि अगर बार डिजाइन किया तो फिर आई विल बी द बेस्ट डिजाइनर दैट आई कैन. उसमें फिर ऑब्वियसली देयर आर लिमिटेशंस. ऐसा नहीं है कि बहुत दफ़ा मेरे साथ भंड हुए हैं, अक्सर प्रेजेंटेशन के दौरान प्रोटोटाइपिंग चल रहा, प्रेजेंटेशन के दौरान आई फॉरगॉट कि यार ये स्क्रीन तो चेंज करनी थी, ये ऐसे करना था, वो नहीं हुआ हुआ, इस तरह के भंड हुए हैं. एंड दैट्स फाइन as long as exactly. you learn from them. And matlab I would say like you talk about the skills, right? Mera ye kehna hai ki when you're working on a project and you get feedback ki ye sahi nahi hai, it's not about your skills. Yeah. Skills you build up over a long time. Projects hote hain mahine ka ho gaya, 2 mahine ka ho gaya, 6 mahine ka ho gaya. In that moment you like when you get feedback ki ye cheez theek nahi hai, it's not about you, it's not about ke aapki skill set theek nahi hai, it's about the solution hai aapke samne, that's not working. Yeah, one of your skills should be to go back to the drawing board and iterate upon it. And yahan pe like I would say jo culture hai na hamara design ka, this is one thing that I have noticed that we could learn. Agar feedback milta hai to receiving and giving feedback. फीडबैक अगर मिलता है तो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट योर स्किल सेट, इट्स नॉट अबाउट यू बीइंग अ वेरी शिट डिज़ाइनर, इट्स अबाउट कि अच्छा काम ठीक नहीं हुआ. कभी होता है काम ठीक, कभी नहीं होता. सो इवन इफ आई एम एट द हाइस्ट लेवल आई विल स्टिल हैव दोज पॉइंट्स वेयर माई सोल्यूशंस डोंट वर्क. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट बी इन अ डाउनवर्ड स्पायरल क्वेश्चनिंग एवरीथिंग दैट आई हैव डन अंटिल दैट पॉइंट इन लाइफ. इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट लाइक गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड एंड कम अप विद समथिंग न्यू. And giving feedback is also very important. मेरा ये कहना है कि it's fine to sugarcoat things. हाँ, sometimes it's necessary. Yes, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सच ना बोलें. It's very important to be honest because you are doing someone a disservice if you give them dishonest feedback. अगर एक चीज़ आपको पसंद नहीं आया, बोल रहे मुझे पसंद आई है. I think that's doing a disservice to that person and the work. Because the work won't reach its potential and the person won't reach their potential as well. But it is important to know ke thoda thoda ego sabka hota hai. You have to sort of like commend their effort and theek hai matlab aapki personality vary karti hai and not everyone might agree to this, but thoda sa aap cushion de sakte ho in that feedback ke acha great effort, I really like this part but this part isn't working, so can we just like work on this part a little bit more. So usme bhi na one thing that I've found to be really helpful is don't give them the solution. Yeah. Okay, you could say ki yaar this hero section feels a little empty. You know, I've given you a problem ki this doesn't feel like a hero section. Yeah. But I wouldn't say ki yaar maybe try adding some illustrations, yahan pe aapko image add kar lo, because then I've just constrained him to illustrations and images. Yeah. When in reality you can make an awesome hero section from whatever. You could make it just from text as well. Bilkul. I've seen a few examples of that. We've been sort of revolving around a question that we haven't talked about yet. Us pe thoda sa I'll want your input. This is regarding somebody jo ke who's on the stairs and they're climbing and they're struggling and all. What about somebody जो कि सीढ़ी पे के सामने खड़ा हुआ है, they've graduated, they can't seem to land their first job, internship, project, whatever, वो क्या करे, what should they do? And it could be because of skills, it could be because of अगर तो soft skills हैं तो that's something that you can work on. Hard skills में how do you know कि यार I suck at this stuff, I need to improve. पहली बात तो ये कि they should be honest with themselves. कि once you know you suck at this stuff, that's where things have the potential to grow, go forward. अगर तो आप बैठ के कह रहे हैं यार जॉब नहीं, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे ये लोग हायर नहीं कर रहे, सारा उस्मान का कसूर है, सारा उस्मान का कसूर है, उस्मान ने मुझे जॉब नहीं. तो being honest with yourself is very important at that stage. And
आपको खुद ही नहीं पता लगेगा आपका काम बहुत बुरा है. आपको किसी को बता, किसी से सीक आउट करना पड़ेगा कि अच्छा ये मेरा काम है, ये देखें बताएं कैसा लग रहा है. तारीफ करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं आपको. मैं अपनी अम्मी को अपना काम दिखाऊंगा, वो कभी नहीं कहेंगे कि ये उस्मान इसका मेरा ख्याल है यूज़र फ्लो ठीक नहीं है. यू हैव टू गेट फीडबैक फ्रॉम लाइक एंड मतलब यू गोना रीच आउट टू पीपल. नॉट एवरी वन इज गोना आंसर, बट देर विल बी सम पीपल दैट विल आंसर. आई केम फ्रॉम अ पॉइंट वेर आई न्यू नथिंग अबाउट डिज़ाइन. आई केम फ्रॉम अ पॉइंट वेर आई हैड नो डिज़ाइन एजुकेशन. What helped me was, ठीक है initial bit of talent था जो कि मतलब बचपन से आप creative चीज़ें कर रहे होते हो तो थोड़ा बहुत आपको visually it's like you have that sense if things are looking right. If I were to give an example के I don't know English grammar but I know it doesn't sound right. क्या yeah. कोई गलत English बोलेगा मुझे ये पता लग जाएगा कुछ गलत है. हाँ English grammar तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं. मुझे I don't know what conjunctions are, what prepositions are. तो वो same thing in design. I don't remember the terminology but I can tell क्या कुछ off है. Yeah. तो हाँ यू वो वही है ना कि दैट आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक दैट्स वन ऑफ द की लेसन्स दैट आई हैव लर्नड कि आपकी आँख इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ डिज़ाइनर बिकॉज उन कॉन्सेप्ट्स को शायद आर्टिकुलेट ना कर सकें बट आपकी आँख को पता लग जाता है. अगेन हम टेंजेंट पे आ गए. कमिंग बैक टू द डिज़ाइनर हु इज़ स्टैंडिंग एट द फुट ऑफ द स्टेयर्स. पहली बात तो ये लाइक रीच आउट टू पीपल हु नो देयर स्टफ. Some people will answer, some people won't. People are very busy, don't take it to your ego, don't answer. There will be some people, at least in my experience, who will answer. UX design mein main bilkul basic tha. I misspoke. Mera pehla UX mein experience wasn't venture type. My first UX experience was Twitter pe. Maine randomly message kiya tha Zirak Ahmed ko. I've heard the name. Maine kahan suna hai? Zirak Ahmed is like famous for Matan Saz keyboard. I remember. Like he is one of like, I don't know if he considers it, but for me he is one of my mentors. Because he's really helped me out throughout my journey with advice. Like he wrote my Fulbright recommendation. He was one of my thesis committee members. His advice has been key all along. So he was one of like, and he... Like I don't want to get Zirak spammed with all of like the messages, he is someone who has been, at least in my journey, someone very helpful, and I know that he's been helpful to other designers as well. So there are some people like that. कोई भी हो सकता है. मतलब I'm sure मुझे भी शायद लोग ये podcast देख के inbox करें, and I'm willing to help out people to my limits. मुझे ना करना, इनको करना. Not me. Go after him. पर so you'll find people. Yeah. So get feedback from them पहले तो कि आपका काम अच्छा है कि नहीं है. अगर आपका काम अच्छा नहीं है, that's not the end of the world. You can learn. And some people will take a chance on you. And what Zirak did was he took a chance on me. मतलब मैंने उनको बोला था कि मैं मुफ्त में काम करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम करवा दो कोई. तो मैंने पहली दफ़ा Adobe XD को हाथ लगाया था. मैंने उससे पहले कोई स्क्रीन नहीं बनाई थी ज़िंदगी में. पर Zirak was at Pataria at that time. And Patari, that app. Patari जो ऐप है ना, जो म्यूजिक की ऐप निकली थी. It was at like before all of the controversy happened. It was at that peak where like so there was a controversy. Yeah, people can look that up. Very behind on every controversy. अच्छा, I don't know. Maybe it's like too far like away now. Sure. Like in the past. पर खैर लाइक पटारी वॉज एट अ सर्टन पॉइंट वेरी अप एंड कमिंग के पाकिस्तान का म्यूजिक सीन में कोक स्टूडियो था, पटारी था. बिकॉज दे वर लाइक डूइंग कॉन्सर्ट्स एंड वो सारा कुछ. लाइक म्यूजिक सीन में पटारी ऐप वॉज वेरी हिप. तो Zirak को मैंने रीच आउट किया ट्विटर पे रैंडमली, लाइक जस्ट कोल्ड मैसेज. एंड देन ही वॉज लाइक, डू यू वॉन्ट टू वर्क ऑन द पटारी का iOS रीडिज़ाइन. वर्कड ऑन दैट ऐप विदाउट एनी लाइक विदाउट हैविंग वर्कड ऑन एनी स्क्रीन्स और एनी थिंग, राइट? So that was a chance that he took of like, if not time, investing money. If not money. Yeah. वो मैं कहूँगी उल्टा हो गया. If not money, investing time in me. And like that's a very big thing that a person can do for you, right? Getting you on board with zero experience and spending time on you to make sure you learn some skills. तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी. मैंने सीखा कि भाई मॉकअप में आप ग्रे डब्बे नहीं डालें. आप अगर थंबनेल है तो थंबनेल में कुछ डाल दें. लॉरम इप्सम ना डालें. आप प्लेस होल्डर टेक्स्ट थोड़ा प्लॉजिबल सा डाल दें ताकि इट डज लुक लाइक एन ऐप, राइट? लाइक टेस्टिंग फेज में तो आप लॉरम एप्स में नहीं दिखा सकते ना लोगों को. तो फिर रेड लाइंस के लाइक आपको वेरी पिक्सल परफेक्ट होना पड़ता है, 4-point grid फॉलो करना होता है, ये
बिल्कुल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बेसिक्स, वो मैंने तब सीखी, द रियल पॉलिश स्टफ. हाँ, एंड आई कुड नॉट हैव लर्नड दैट. लाइक ठीक है, यूट्यूब पे बंदा बहुत सीखता है, और मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब और मतलब खुद कोर्सेज करके सीखी हैं, लेकिन देर इज समथिंग अबाउट हैविंग समवन हु कैन टेल यू के दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू कुड लर्न. तो वो मेंटरशिप मुझे पहली दफ़ा किसी डिज़ाइनर से मिली थी. फॉर दैट डिज़ाइनर हु स्टैंडिंग एट द फुट ऑफ द स्टेयर द स्टेप्स, पहले तो सीक आउट सम हेल्प फ्रॉम पीपल हु नो देयर स्टफ, एंड लाइक फाइंड योर नेक्स्ट स्टेप. डोंट वरी अबाउट द स्टेयरकेस, फाइंड योर नेक्स्ट स्टेप. एंड वही है ना कि दैट नेक्स्ट स्टेप कुड बी एज स्मॉल एज दैट स्मॉल इंटर्नशिप दैट आई डिड, राइट? क्योंकि उस वक्त मैं बोलता नहीं, मैंने ये नहीं करना मुफ्त में, मैंने जॉब करनी है, या फिर मुझे पेड इंटर्नशिप मिलेगी तो ही मैं करूँगा. तो बैठे रहो आप. तो ये है. एंड देन लाइक गेटिंग पेड अनपेड इंटर्नशिप्स का अपना वो है कि मतलब दे कैन बी एक्सप्लॉयटेटिव. डिजाइनर्स गेटिंग पेड इज समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, हैव ऑलवेज बिन. तो आई थिंक दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्जेशन, बट द पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन इज के फाइंड योर फर्स्ट स्टेप, एंड इट माइट नॉट बी ऑप्टिमल, बट फाइंड द थिंग दैट टेक्स यू फॉरवर्ड, एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ अबाउट वेर यू आर एट. आई हैड समथिंग ऑफ एन मोर लेस सिमिलर जर्नी एज वेल. शुरू में देर वॉज दिस वन डिज़ाइनर शान हुसैन नकवी, ऑसम डिज़ाइनर, ऑसम मेंटोर. आई थिंक ही हैज़ अराउंड 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस समवेयर अराउंड दैट. वो कराची में होते हैं, ही इज़ इन सिक्योरिटी. ADP लिस्ट के थ्रू मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, एंड टू दिस डे आई स्टिल गेट मेंटोरशिप फ्रॉम हिम, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ दोज पीपल. Although he didn't really like give me a job or an internship, for which I'm glad that he didn't, was he gave me that direction, yeah, this is what you need to focus on, ke if you want to land a role, to these are actionable steps that you can take today to improve your chances. Aur se bahut help hui thi. So much so ke maine apne career mein wo jo junior position wala hota hai na journey, wo it shrunk to a few months. वेंचर डाइव से पहले आई वॉज टेक्निकल एन इंटर्न, UX इंटर्न, और फिर उसके बाद आई वॉज डायरेक्ट मिड लेवल. तो जूनियर वाला पार्ट शुड गॉन, बट उस चीज़ का जो द बेनिफिट, और फिर आई ऑल्सो मेट सम रियली गुड मेंटर्स आफ्टरवर्ड्स एज वेल, शुएब खान, मोहम्मद उसामा हुज़ माई करंट द मैनेजर एट वेंचर डाइव, अ फ्यू अदर पीपल एज वेल. तो द लर्निंग वॉज अमेजिंग, कि वो जो रीच आउट करने वाली चीज़ है दैट रियली हेल्प्स. अभी रिसेंटली आई वॉज हैविंग सम ट्रबल विद द डिज़ाइन सिस्टम, तो आई रीच आउट टू अमेजोन का डिज़ाइन सिस्टम मैनेजर. अच्छा. आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम, आई फील सो हॉरिबल. उनको मैंने रीच आउट किया, और मैंने ना जो डिलीवरी हीरो हैं उनको रीच आउट किया. सही. एंड दे बोथ रिस्पॉन्डेड, एंड वी हैड हाफ एन आवर सेशन विद बोथ ऑफ देम, एंड इट वाज अमेजिंग. वो मुझे बाद में पता लगा कि वो भी काम मैनुअली कर रहे हैं. आई वाज होपिंग कि दे माइट हैव एन ऑटोमेटेड सॉल्यूशन, बट वो भी मैनुअली कर रहे थे. बट आई वाज लाइक सो स्टिल गॉट टू लर्न लॉट. बट या वो दैट इनिशियल कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड मैसेजिंग इज एसेंशियल, कि आप पीछे पड़ो. वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप बार बार उनको रिमाइंडर्स दो. बिल्कुल. ये बी थर्स्टी फॉर इट. बिल्कुल. और उससे एक करियर में डिफरेंस आता है. हाँ, और वो जो लोग चाहते हैं ना कि वो ग्रो करें, दे डू फाइंड वेज. एंड लाइक आई हैव सीन दैट विद नॉट जस्ट मी बट लाइक अदर डिजाइनर्स एज वेल, एंड आप भी अपना एग्जांपल दे रहे हैं. ठीक है. उसमें फिर आई थिंक देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन जिसका आपने आंसर नहीं किया, एंड आई विल गेट बैक टू दैट. What's your greatest bhand? Apart from the hiring one. Hiring wale ke alawa. Because I know ki wo thoda sa sensitive hai, to uspe hum usme nahi aate. But what's your greatest bhand? Yaar, kyun yaar? Kyun Usman? Ye kyun kiya? Yaar, pata nahi. Too many choose from or too little? I think too little, because wohi hai na ke matlab ab aapko lagega ki main bullshit kar raha hu. Lekin wohi hai ki failure is the next step. कि आप अगर इफ़ यू फेल एट समथिंग, दैट्स व्हेन यू फाइंड द नेक्स्ट थिंग, एंड द ओनली बैड थिंग दैट यू कैन डू इज स्टॉप डूइंग समथिंग, राइट? अब मैं BBDO छोड़ा मैंने, फॉर इंस्टेंस. कुछ भी नहीं था. मैं मतलब देर वॉज नो इनकम एंड देर वॉज ऑल एक्सपेंसेस. दैट कुड हैव बीन अ फेलियर. लाइक जॉइन, लाइक कि मैंने एक जगह ज्वाइन की है जो इज़ नॉट अ गुड फिट फॉर मी, एंड लाइक आई डोंट लव द कल्चर हेयर, एंड वो सारा कुछ. पर वही है ना कि उसको छोड़ना वॉज अ प्रिटी बिग जंप, एंड वॉज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई कुड हैव डन फॉर माई सेल्फ एट दैट पॉइंट, बिकॉज मेंटल हेल्थ मेरी खराब हो रही थी. आई जस्ट लाइक वॉजेंट सेटिस्फाइड, एंड आई वॉज लाइक ठीक है, मैं आई एम यंग, आई कैन अफोर्ड दिस राइट नाउ, आई विल टेक माई जंप एंड सी वेर इट लैंड मी. इंस्टेंटली वेर इट लैंडेड मी वॉज ब्रोक.
अच्छा, I thought you were gonna say something like पटारी या वेंचर डाइव. नहीं, बट वही है ना, इंस्टेंटली नहीं होता. तो जो फेलियर होता है वो बस इंस्टेंट होता है. हाँ, और जो सक्सेस होती है वो फिर इट्स बेस्ड लाइक इट्स बिल्ट अप ऑन दोज फेलियर्स. तो मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ, लाइक दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ टेकिंग मी वेयर आई एम टुडे. एंड ठीक है, लाइक ऐसा ही एक और स्टेप आएगा अगर मैं एक बड़ा सा रिस्क लेता हूँ. यू कैन कॉल दैट अ फेलियर एट लाइक इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट इन द इमीडिएट मोमेंट. बट इवेंचुअली लाइक वही है, जो स्टेप्स होते हैं आपको वही हमेशा यूं करके ऊपर नहीं जाते रहते हैं. कभी यूं करके थोड़ा सा नीचे लाता है स्टेप आपको, फिर ऊपर जाते हो. तो जो थोड़ा सा नीचे लाता है आप उसको फेलियर बोल दें तो फिर वो नीचे जाता रहेगा. तो फिर वो नीचे जाता रहेगा. ट्रू ट्रू. तो थैंक यू फॉर कमिंग टू माय टेड टॉक. I had a feeling that was coming. नहीं मैं बाकी मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा जब आप पूछ रहे हैं मेरा फेलियर क्या है. Yes, that's good. Yeah. A lot of the times, जब especially within the use of the design, not necessarily UX, but failure is something that we associated with not doing a good enough job. जो कि हमने पहले भी बात की कि यार काम अच्छा नहीं है, that doesn't mean कि आपका स्किल सेट फारेगा या कि you're a shit designer. बिल्कुल. It just means कि at this particular time जो output आपने किया it can be improved. बिल्कुल. एंड इफ यू गो विद दैट मेंटेलिटी देयर इज नो फेलियर. या कि व्हेन वाज द फेलियर, हुआ ही नहीं कभी. बिल्कुल. एंड या आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट. मतलब हां, थिंग्स डोंट वर्क आउट. मतलब देयर हैव बीन प्रोजेक्ट्स दैट आई वर्कड ऑन दैट हैव जस्ट बीन लाइक शेल्फ्ड. जो मैंने इनिशियली रेन में जाके एक प्रोजेक्ट किया था उसकी लोगो स्केचेस मैंने 150 बनाए थे. ओह दैट्स अ ह्यूज नंबर. 150 लोगो स्केचेस बनाए थे, उसमें से 5 मैंने लोगो लिए थे और मीटिंग में मुझे बोला गया था कि कोई भी नहीं अच्छा लगा. अब उसको मैं फेलियर कहूँ या फिर मैं जाके फिर से काम. एंड दैट्स इन एनी क्रिएटिव फील्ड दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू लर्न, के बीइंग सो कंफर्टेबल विद फेलियर. अच्छा थोड़ा सा ना इसमें कॉन्टेक्स्ट का एलिमेंट भी आता है. आई थिंक इस पे विल एंड द टॉक के ऑडियंस भी कहेंगे ये तो खींचते चले जा रहे हैं. जब भी आप किसी नई जॉब में आए हो ना और आपको कहे यार कैन यू वर्क ऑन दिस फ्लो, कैन यू वर्क ऑन दिस लोगो, कैन यू वर्क ऑन दिस विजुअल, वट एवर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कॉन्टेक्स्ट कंपनी का भी नहीं पता. यू डोंट नो कि इनकी ब्रांड लैंग्वेज क्या है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे. ऑलरेडी जो समथिंग सिमिलर हम 10 जगहों पे कर चुके हैं वो हमने कैसे किया है. और जब वो नेसेसरली कहते हैं ना कि यार दिस इज़ नॉट गुड इनफ, इट्स नॉट अ फिंगर ऑन यू, इट्स मोर ऑन द फैक्ट यार ये वो जो हम 10 दफ़ा ऑलरेडी कर चुके हैं उससे अलाइन नहीं कर रहा. दिस इज़ नॉट अ मैच. हाँ, कि वहाँ पे उस चीज़ को ये कह देना कि यार नहीं मैं तो फारिग हूँ. इंस्टेंसेस मेरे अक्सर जाने वालों ने ये भी किया हुआ है कि यार 2 दिन एक जगह गए, मज़ा नहीं आया, उन्होंने तारीफें नहीं कहीं, वापस आ गए. यार आई मीन यू वर्क ऑन अ कंपनी फॉर अ वीक, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग. ये तो शायद आपने भी मुझे कहना था अगर मैं 1.5 महीने में नौकरी छोड़ी थी. But नहीं, हाँ नहीं, culture wise भी it's very important too. All right, I think this is a good place to park it. Jazakallah khair Usman, thank you so much for coming. Thank you so much for having me. And inshallah, we do have a few other plans as well. Abhi I won't disclose them officially. Unpe we would want you as a guest as well. Hopefully around the time of December, inshallah. Looking forward to collaborating with you again. Sure, thank you so much. Jazakallah.